हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं मसाला अरवी, फ्राइड अरवी या सूखी अरवी। ये मसाला अरवी पूरी पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मसाला अरवी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अरवी को उबालना होगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो अरवी हम लेंगे वो एकदम गोल होनी चाहिए, उसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए और एकदम सफ़ेद होनी चाहिए। ये एक पाव मैंने अरवी ली थी जिसको एक सीटी लगाकर मैंने उबाल लिया है। उबालने से इनके छिलके आसानी से उतरेंगे, तो आप इन अरवी के सारे छिलके उतार देंगे। ये सारे छिलके मैंने अरवी के उतार दिए हैं और बड़ी आसानी से उतर गए हैं ये छिलके। अब मैंने इन्हें हल्के हाथों से प्रेस करना है क्योंकि हमें ये मसाला अरवी बनानी है। तो बस इस तरह से हम हमारी सारी अरवियों को हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। उबालने से ये बहुत आसानी से प्रेस होंगी। तो आप देखिए, मैंने सभी अरवियों को अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पिंच पर हींग डालेंगे और हींग डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भर के राई। जब राई तड़कने लगे तो अब हम इसमें डाल देंगे ये उबली हुई अरवी। अब हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि हमें अरवी को क्रिस्पी करना है, तो ऊपर नीचे अच्छे से हमें क्रिस्पी फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। वो आपके स्वाद और तीखेपन पर डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा खाना पसंद करें। अरवी और मिर्च को भी हम एक साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे और हम 2 मिनट इसको ढक्कन लगाकर और पकने देंगे। इधर 1 कटोरी में मैंने 1/2 कप पानी लिया है। इस पानी में हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर और साथ में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये जो पानी है ये हम अरवी के ऊपर डालेंगे और अरवी और मसालों को अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब तक आप इसे पकाएंगे जब तक कि अरवी में से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाए। अब ऑयल रिलीज़ हो गया है, अब इस पर डालेंगे स्वाद अनुसार अमचूर पाउडर। 2 मिनट और ढक के पकाएंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। बनकर सब्जी तैयार है। रोटी पराठों के साथ इंजॉय करें। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक और सब्सक्राइब। और जो मसाला अरवी है वो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।